सबका जड़ पता है कौन है? तुम सुधर जाओ भाई, टाइम अभी भी है तुम्हारे पास, ऐसे नहीं कि तुम्हारा पूरा उम्र खत्म हो। ये बहुत अच्छा है दानिश, इससे सिर्फ एक गलती हुई है, उसके लिए वो परेशान है बस। और क्या चल मैडम का? अभी थोड़ा तबीयत खराब है। हेलो गीता। हेलो दानिश, क्या चल? ठीक हूँ, आप बताइए। कब आया? अभी बस। कैसा चल रहा है? ठीक हूँ, आप बताइए। नहीं अभी कराता हूँ। हाँ दवा है? हाँ दवा लिया। बात बात हुआ? नहीं बात, कभी किसी किसी कोई फोन ही नहीं उठा रहा अभी। और बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया। अपनी आदत बेकार करते जा रही है धीरे धीरे, जानबूझ के। क्या है तुझे? तू मुंह बंद कर ले। क्या है तुझे? वही चीज तो हम ही बात कर रहे हैं। रात कहीं भी भग जा रही है। क्यों भाई? ज्यादा मत बोला कर। तू कम बोल। अपने आदत की जिंदा खो दे। तू क्या बात कर रही? इधर एक अंगिता, इधर देखो तुम क्या कर रही है। कुछ नहीं कर रही हूँ। नहीं कुछ नहीं कर रही हो, क्या कर रही हो? दो अभी रो रही है ना। कुछ अगर नहीं कर रही हो तो क्या कर रही हो, जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल। खराब है इतना, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है ये हरकत जो कर रही हो? भगने वाला, डर डर जाने वाला, क्यों? सही लग रहा है ये सब? कुछ नहीं, खाना भी नहीं खा रही जल्दी। भाई अगर नहीं खाओगी तो खराब हो। हम बात कर रहे हैं अभी, अंकिता एक बार सुन लो मेरा बात। बताइए। नहीं खाओगी तबीयत खराब हो जाएगा ना। खाती हूँ खाना। क्या खाती हूँ? शरीर देखिए, अपना हालत देखिए, हाँ क्या हो गया देखियो, अपना अपने आप को देखियो, क्या हो गई हो तुम? डॉक्टर ने सीधा कहा है जो खिलाओ ऐसे खिलाओ पिलाओ, आराम करवाओ, सीधा रेस्ट करने के लिए कहो, और कोई टेंशन ना ले, नहीं तो खतरा और बढ़ सकता है। तुम तो बोलो मत, पहले बता रहे हैं तो पता है क्या है क्या नहीं है सब चीज़ें वो पता है। तुम तो बोलो मत। मुझे पता है मेरी वजह से हुआ है, मुझे भी पता है तुम्हारी वजह से हुआ है या फिर क्यों हुआ है। मतलब अगर बोलने पे आएगा ना तो बहुत कुछ बोल देंगे भाई। छोटा भाई मान रहे, छोटा भाई समझ रहे हैं, इसलिए हम भी बोलेंगे चुप रहो। बताओ तुम क्या चल रहे हैं, बताओ, पूछ सकते हैं? है लेंगे हक है, ठीक है, ऐसे रोजा में है, अभी फास्टिंग चल रहा है मेरा, है हक मेरा कि हम कुछ पूछ? जी बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हैं बोलिए। क्या है, क्यों ये ऐसा कर रही है? कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही है, हालत देखियो अपना, रो रो कर हालत खराब हो चुका है, सारा चीज ऐसे ही बिखरा हुआ है, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना दिन हो गया आप लोगों को अपने अच्छे तरीके से काम किए हुए? कितना दिन हो गया? हो गया। सबका जड़ पता है कौन है? तुम? मुझे पता है। जब पता है तो सुधारते क्यों नहीं हो? सुधार कराओ। अंकिता तुम देखो, रोना बंद करो, बोल रहे हैं रोना बंद करो, चुप रहो, ऐसे रोने से क्या हो जाएगा बताओ? क्या ठीक? जब सुधारने का टाइम आया तो आप लोग अपना अपना साइड देख लिए, हाँ मेरा साइड ये है, मेरा साइड ये है, मेरा साइड ये है, वो जनाब भी चले गए अपना साइड देख कर, तो आप लोग भी तो कुछ कीजिए। क्या करें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ऐसे क्यों कर रही हो? क्यों कुछ बिगड़ गया? ऐसा लग रहा है कि सब चीज की वजह मैं ही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जब से मैं आई हूँ, जब से सब कुछ खराब होता जा रहा है, पूरी टीम बिखर गई है। ऐसा कुछ नहीं, हर कोई मुझे ब्लेम कर रहा है कि जब से ये लड़की आई है, जब से सब कुछ खराब हो गया, कुछ भी ठीक मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है,
क्या कर सकती हूँ मैं ही हूँ इस सब चीज की वजह। बोल बोलो और बोलो और बोलो और बोलो, कम से कम मन तो हल्का हो तुम्हारा। कमेंट देखिए आप लोग हाँ। के सब मतलब यही है कि जब से ये लड़की आई है तब से इसने बिखेर के रख दिया टीम को। आपको हमको सब पता है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमसे छुपा हुआ है, सब चीज पता है, सब चीज जानते हैं। सुजीत की जिंदगी खराब करके रख दी इस लड़की ने, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, कितनी अच्छी टीम थी। कैसे जाएगा, ऑप्शन क्या है इसका, कोई चीज से भागना कितना सही होता है। मैं भाग नहीं रही हूँ। ऑप्शन देखिए, उसका विकल्प देखिए, उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए। वो बड़े हैं, उन्हें समझना चाहिए ना कि बड़े हैं, तो इसलिए तो मैं भी बोल रहा हूं, सब कुछ छोड़ के चले गए, ऐसे थोड़ी ना होता। बार बार बात नहीं करता हूँ हर चीज टॉपिक पे, क्योंकि मैं पर्सनल किसी में घुसता नहीं हूँ, ठीक है। जब पर्सनल घुसता हूँ तो उस चीज को फाइनल सॉल्व ही करता हूँ। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, बता सकते हो? जब सब कुछ ठीक होने वाला था तो हाँ। सब कुछ छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, क्या जरूरत थी? उसने माफी मांग ली, चलो मान लिया एक बच्चा है, वो माफी मांग ली उसने, लेकिन छोड़ के जाने की क्या? उनके जगह पे होकर आप लोग एक बार देखोगे तब समझ में आएगा। समझ सकते हैं, लेकिन दानिश छोड़ के जाने का सवाल नहीं होता है कि हाँ सब छोड़ के जाने से सब कुछ ठीक हो जाता। छोड़ के जाने क्या फायदा था, इसके आगे एक शब्द मत बोलना और ना यहीं पे मार देंगे, सही बता रहे। इसके आगे एक शब्द मत बोलना, जब आपके भैया आपके टीम के लीडर आपको ऐसे बोल रहे हैं कि बाबू ये गलती मत करो, अगर वो तुम्हें मार दिए, वो तुम्हें बोल दिए या कुछ भी अगर हरकत ऐसे कर दिए, तो क्या जरूरत है तुमको फिर बीच में आर्ग्यूमेंट करने का, आर्ग्यूमेंट करने का? एक बार नहीं हुआ ना, एक बार तो जरूरत कोई एक बार या दो बार। अभी चुप रहो, इसका तबीयत खराब है, अभी मत बात करो, तुमसे बात करेंगे अलग में, ठीक है? चुप रहो, तुमसे बात करेंगे। तुम बताओ ये रो रही हो, इस रोने का सलूशन क्या है? पानी लेकर आओ तो भाई, पानी पियो, पानी पियो, दवा है? खा चुकी हूँ, दवा खाई है। अभी भी खाई है। अंकिता, रोने से इसका हल नहीं है, ठीक है? सलूशन नहीं है रोना, आप बताइए क्या करूँ? बस यही हम बोलेंगे, चुप रहो, आराम से सोचो समझो। वो आए तो सारी चीजें हमसे शिकायत करें ना, आके शिकायत करें, ऐसे ऐसे तुम्हारी गलती है, हमें सजा दें, हम झेल लेंगे। अगर हमारी गलती हुई तो हम सजा झेल लेंगे। कोशिश करेंगे कि सारा चीज खत्म हो, ठीक है? हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे सुजीत भाई से, क्योंकि बात हम एक बार है और इस चीज को हम बार बार बोलेंगे, हमेशा जिंदगी भर बोलेंगे जब तक हम यहाँ पे इस तरीके से काम करेंगे। वो इंसान मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरा इतना हक बनता है कि वो इंसान के लिए हम कुछ करें। बस यही बोलेंगे अंकेश कि तुम्हारी एक गलती के कारण सारा चीज़ अस्त व्यस्त हो चुका है, ठीक है? जब चीज़ बिखर रहा था तो तुमने संभालने की कोशिश नहीं की। सब अपना अपना साइड देखें, सब अपना अपना पल्ला देखें कि भाई मैं चलता हूँ इधर, मैं चलता हूँ इधर, मैं चलता हूँ इधर। मुझे पता है अंकिता कि ठीक है आप सही हो, आपकी गलती नहीं है, तो फिर मेरे को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? आप कोशिश करो उस चीज को कम से कम खत्म करने का, आप आगे तो बढ़ो, बात तो करें, वो बात तक नहीं कर रहे हैं। सुनो, बता रहे, अगर मेरे ऊपर कुछ अगर बात आ जाए, अगर मेरे ऊपर कुछ अगर आ जाए जाए कि दानिश ऐसा इंसान है, दानिश ऐसे करता है, तो हम क्या अपना सब काम धाम छोड़ छाड़ के हम अपना बैठ के रोएंगे या फिर उससे हम उसका सोल्यूशन करेंगे? अगर मेरे ऊपर कुछ अगर प्रॉब्लम आया है, उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ही को तो करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे रोने से बैठ के मतलब सोने से ऐसा सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन बस यही है, आप उठो, फ्रेश हो। कितना दिन हो गया आपको ठीक से बाहर जाके घूमे फिरे? हाँ, बाहर जाने के नाम पर तो आप भागने की कोशिश करते हैं। कितना दिन हो गया है आपको जाके बाहर में अच्छे से घूमे फिरे, काम किए हुए फ्रेश मूड से? कितना दिन हो गया है नहाए? कितना दिन हो गया मुझे ये बता दो। इतना गर्मी में तबीयत आपका पता है, इतना दिन टिका हुआ है तबीयत मेरा, एक बात मानो, अच्छे से फ्रेश होकर दवा हुआ जो खा रही हो खाओ, पहले जाकर नहाओ क्योंकि गर्मी बहुत है, ठीक है? ठंड लगे जा रही है, बस नहाओगी ना पूरा
ग्राफ नीचे उतर जाएगा पारा। फ्रेश हो, नहाओ थोड़ा सा अच्छे से यार, लड़की हो थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लिया करो हल्का फुल्का, सुंदर तो लगती हो इतना अच्छा। हाँ कुछ भी नहीं है दानिश, सब देखो खराब हो गया, बात क्या कर रहे, कुछ भी खराब नहीं है, इंसान सारा चीज का सलूशन नहीं है, सलूशन सारा चीज का है, बस यही बोले दानिश, छोड़ के जाने से सलूशन नहीं निकलता है, बात करने से बातें सुलझती हैं, ना बात करने से बातें और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। बहुत अच्छी बात है, बातें करनी चाहिए, बात करने से बातें सुलझ जाती हैं। तुमको तो बात करनी चाहिए, तुम ये सोई हो, अपना एक्टिविटी नहीं कर रही हो, कुछ भी काम तुम्हारा दिख नहीं रहा है। एक बच्चे के कारण, इस इंसान के कारण पूरा चीज जो अभी इधर उधर हो चुका है, क्यों हुआ है? छोड़िए ना, अब उसे कुछ नहीं छोड़िए, अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो, ठीक है, पानी वानी अच्छे से पी लो, दवा हुआ अगर दिक्कत हो रहा है, खाना पीने में दिक्कत हो रहा है तो बोलो। कुछ नहीं खाया जा रहा, बस दवा भी ये जबरदस्ती खिला रहा है, खाना भी बिस्किट एटलीस्ट खाया करो, ठीक है, इसको कम से कम बिस्किट का एक डब्बा देवा करो, बिस्किट जब खा वो दो तीन बिस्किट खा के दवा वो खा लेगी आराम से, थोड़ा सा खिला देता हूं और चीज, हां खिलाते रहो, ठीक है, और इधर उधर भागने की कोशिश मत करो, अच्छे से रहो, बाकी तबीयत जब अच्छे से ठीक हो जाएगा फिर हम मिलते हैं तुमसे अच्छे से, ठीक है दानिश, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सोच समझ के काम किया करो, बैठिए थोड़ी देर, हम क्या चल रहे हैं थोड़ा मार्केट से सामान वान लेकर, रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, अभी चलते हैं वहीं पे, हम थोड़ा घर पे काम वाम करते हैं। शुक्रिया आप आए, अच्छा लगा, बात नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें देखकर, इस तरीके से रो रही हो सो रही हो दिन भर, हाँ काम काज का कुछ पता नहीं है, फ्रेश हुआ करो, थोड़ा सा नहा लो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहेगा, काम किया करो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया करो, इस तरीके से रोने से सोने से सोल्यूशन नहीं होता है, बाकी तो हम बात करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे जब तुम्हारा थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि तुम्हारे सामने ही बात करें, ठीक है, बात करने को भी राजी नहीं है वो बिल्कुल, हम है ना, हम बात करेंगे, हम है ना, हम बात करेंगे अच्छे से, और आप जनाब आपसे हम अलग से स्पेशल तरीके से बात करेंगे, क्योंकि आपका ना एकदम नेचर अलग हो चुका है, सुधर जाओ, टाइम अभी भी है हमारे पास, ठीक है, ये बहुत अच्छा है दानिश, इससे सिर्फ एक गलती हुई है, उसके लिए वो परेशान है, बस और कुछ नहीं, सुधर जाओ भाई, टाइम अभी भी है तुम्हारे पास, ऐसे नहीं कि तुम्हारा पूरा उम्र खत्म हो जाए ना, मतलब सही हो अच्छा हो बात वो नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि तुम्हारा, हमारे पास अभी टाइम है, सुधर जाओ, तुम्हें मौका है तुम्हारे पास, अभी सुधर जाओ भाई, बाकी मिलते रहेंगे हम, ठीक है, और जल्दी इसका थोड़ा सा ख्याल रखो, जल्दी थोड़ा सा तबीयत ठीक होता है फिर एक दो दिन में मिलते हैं, बात करते हैं, यार अच्छा नहीं लगता है अंकिता, समझे ना दानिश, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तब बना बनाया घर, एक बना बनाया चीज को बिखरा हुआ देखते हुए नहीं अच्छा लगता है, नहीं तब अपने आप को रोक पाते हैं कोई काम, जो कोई रिश्ता बनता है ना, एक शादी का रिश्ता होता है, वो बनता है उससे फैमिली बनती है, ये जो रिश्ता है ना ये सबके उससे बना है, ये टूटना जब टूटा है तो बहुत दुख हुआ है, बस यही है कि सब ठीक हो जाए और कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, हम बात करेंगे, ख्याल रखो अपना, चलते हैं थोड़ा सा टाइम हो रहा है, ठीक है दानिश, चलो मिलते हैं, ठीक है।